दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग कार्ड इन्वर्टर में हाई चार्जिंग की समस्या कहां से पैदा होती है और उसको कैसे करके ठीक किया जाए, क्योंकि दोस्तों कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग कार्ड इन्वर्टर है और उसमें हाई चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जब हम इन्वर्टर को स्विच ऑन करते हैं, चार्जिंग मोड पर लेते हैं, उस दौरान एकदम से सुई हमारी टन्ने से ऊपर पहुँच जाती है, तो उसके बारे में बताइए। तो कई सारी कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी कर चुका हूँ लेकिन फिर भी उन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाना ज़्यादा उचित है। हमने सोचा कि हम आपको डिटेल से जानकारी दे दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप जानकारी को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप इन्वर्टर खुद भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप लोग प्रैक्टिकल तो करते ही रहते हैं, बस आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस की ज़रूरत है जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग का फंक्शन क्या रहता है। लॉन्ग कार्ड इन्वर्टर में इतना पोर्शन, यहाँ से आप इस प्लेट को काट देंगे तो इतना पोर्शन जो है वो चार्जिंग के लिए बनाया गया है, यहीं से ही पूरे इन्वर्टर की चार्जिंग कंट्रोल होती है। देखिए, मैं ये एक सर्किट लेके आया हूँ जो टुक टुक ई रिक्शा के चार्जर में यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके का सर्किट है। चार्ज करने के लिए इतना सर्किट ई रिक्शा में दिया रहता है जो कि हमारा लॉन्ग कार्ड का इतना पोर्शन है। दोस्तों, अगर हम इस सर्किट को ध्यान से समझ लिए तो हम चार्जिंग के फॉल्ट को भी समझ जाएंगे। हमारा इस वीडियो में मकसद है कि इस सर्किट को आप डिटेल से समझें, यानी कि इसमें कहां कहां से फॉल्ट क्रिएट होता है उसको आप डिटेल के साथ समझें। तो ये बड़ा सर्किट है, इसको मैं साइड में रख देता हूं, इस वाले सर्किट में हम समझ लेते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप काफ़ी हद तक आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने आप से भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इन्वर्टर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था जिसमें मैं आपको समझा सकता था, इसलिए मैंने एक किट ले रखा है, इस किट पे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बस ध्यान से समझिए। दोस्तों, जब लॉन्ग कार्ड इन्वर्टर में हाई चार्जिंग की समस्या क्रिएट होती है तो उस दौरान हमारा SCR शॉर्ट हो सकता है। अब SCR शॉर्ट है या नहीं है उसको कैसे पता लगाएंगे? दोस्तों, SCR को ये वाली IC ऑक्टोकपलर 3021 IC जो है वह सप्लाई देती है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस IC को निकाल देंगे। जब इस IC को आप निकाल देंगे उसके बाद भी अगर चार्जिंग की सुई भाग रही है, मतलब बिल्कुल ऊपर टॉप पे जा रही है, तो इसका मतलब कंफर्म SCR आपका ख़राब है। दोनों SCR को आप मल्टीमीटर से टेस्ट करें, और मल्टीमीटर से टेस्ट करने की प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको प्लेट को इस तरह से रखना है, चाहे आपका लॉन्ग कार्ड हो चाहे शॉर्ट कार्ड हो, कोई सा भी हो जिसमें भी SCR लगा हुआ है, उसको चेक करने की प्रोसेस ये रहती है। आपको मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी वाली रेंज पे सेट करना है, बीच वाली पिन पे आपको मल्टीमीटर की एक प्रोब्स को लगाना है, दूसरी को साइड वाली पे लगाना है। देखिए, रीडिंग नहीं आ रही है। अब पलट के आप जब लगाएंगे फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है। उसके बाद दोस्तों, दोनों साइड में जब आप लगाएंगे लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग आना चाहिए। तो ये हमारा ओके कंडीशन में है क्योंकि ये नई प्लेट है, मतलब बीच वाली इसकी लेग से किसी भी साइड वाली लेग पे रीडिंग नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके की, तो हमारा SCR ठीक है, वरना ये ख़राब है। SCR को आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना नहीं चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये IC निकालना है और उसके बाद इन्वर्टर में सप्लाई दे देना है। उसके बाद भी अगर आपकी सुई भागती है तो इसका मतलब हमारा SCR शॉर्ट है। 3021 IC को निकालने के बाद में अगर आपकी सुई ऊपर की तरफ हाई चार्जिंग मोड पर नहीं जा रही है तो आपको इस IC को चेंज करना है। अगर ये IC ख़राब होगी तब भी हमारी सुई भागेगी तो आप इस IC को उखाड़ के दूसरी लगा देंगे और नई IC को यूज़ करना, ट्रस्टेड। देख लेना चेक करके कि IC ठीक होना चाहिए, कहीं पुराने इन्वर्टर में से बेकार IC को निकाल के डालें और आप खुद भी चक्कर में पड़ जाएंगे, हमारा इन्वर्टर ठीक नहीं हो रहा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, या तो वर्किंग इन्वर्टर से निकाल के IC को डालें या फिर नई IC को डालें। दोस्तों, अगर उसके बाद भी हमारी हाई चार्जिंग की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, इस IC को LM324 IC है, इस IC को निकाल कर दूसरी IC डालें। समझ रहे हैं, हाई चार्जिंग की समस्या के लिए बता रहा हूँ। अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो ये वाली IC, इस IC को निकाल के आप दूसरी डालें। इतना अगर आप करेंगे तो आपकी हाई चार्जिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब रहा चार्जिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, चार्जिंग भागता है बहुत स्पीड से, जैसे ही हम लगाते हैं तो चार्जिंग तुरंत नहीं आती है इंस्टेंटली, लेकिन धीरे 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 करके बढ़ती है चार्जिंग और वो 40-50-60 एम्पीयर तक पहुंच जाती है। उस कंडीशन में क्या फॉल्ट होगा? उस कंडीशन में दोस्तों हमारा चार्जिंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो चार्जिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमारा ये प्री सेट खराब होगा, इस प्री सेट को चेंज करें।
चेक करके देखें कहीं ऐसा तो नहीं हमारा प्रीसेट पूरा खुला हुआ है और हमें पता ही नहीं है। तो इस प्रीसेट को चेक करके देखें क्योंकि ये प्रीसेट इस तरीके का भी हो सकता है, ये इसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं दोस्तों। उस दौरान भी हमें दोनों आईसी को चेक करके देखना है, उस दौरान हमारा ऑक्टो कपलर से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अगर चार्जिंग धीरे 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 करके ऊपर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये वाला सर्किट हमारा ठीक होगा। ऑक्टो कपलर और ये एससीआर जो है इतने सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। इन दो आईसी को चेंज करके देखें और प्रीसेट को चेंज करके देखें, सही हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी दोस्तों कई बार ऐसा होता है चार्जिंग गड़बड़ कर रही है, अप डाउन कर रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है चार्जिंग में, तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, उस दौरान हमारे ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर हैं BC547 और BC557 लगे हुए हैं, 1, 2, 3 इन तीनों ट्रांजिस्टर को आप चेक करके देखें, कोई सा ट्रांजिस्टर वीक हो तो चेंज कर दें और उसके साथ में ये जो कैपेसिटर हैं इनको भी टेस्ट करके देखें। ये तीसरी कंडीशन हो गई, आपको ये वाला भी कैपेसिटर टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अगर चार्जिंग में पट पट इस तरीके की आवाज़ आ रही है, कभी अप हो रही है स्विच, कभी डाउन हो रही है, तो उस दौरान आपका फॉल्ट कैपेसिटरों से होता है, कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, उस दौरान ऐसा फॉल्ट क्रिएट होता है। उस दौरान भी आपको आईसी को चेंज करके देखना है और ये कैपेसिटर दोस्तों वो तीसरा फॉल्ट हो गया। अब एक फॉल्ट की और बात कर लेते हैं, अगर चार्जिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दोस्तों ये वाला जो 4 पिन का जैक है, यहाँ पे दो वायर हमारे 909 से आते हैं। ये देखिए 909 में दो वायर इनकमिंग पावर सप्लाई की हैं, दो वायर हमारे 18 वोल्ट के निकल कर यहाँ पर 1 और 2 नंबर की पिन से कनेक्ट होते हैं। उस दौरान यहाँ पर हमें एसी वोल्टेज टेस्ट करना पड़ता है, 18 वोल्ट आ रहा है या नहीं। अगर हमारे ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो 18 वोल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप वोल्टेज टेस्ट करके देखें, वोल्टेज टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर में आपको ये वाली पिंस है जो 20 पे 2000 पे सिलेक्ट करना है, वो सॉरी ये वाली पिंस मल्टीमीटर की रूटी को 200 वोल्ट एसी रेंज पे सेट करना है और यहाँ पे आप वोल्टेज टेस्ट करके देखें, यहाँ पे नहीं देखें तो पीछे यहाँ पे टेस्ट करके देखें। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं इसका मतलब हमारा 909 ठीक है, अगर यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ आके 7812 लगा हुआ है, 7812 की जो 3 पिंस होती हैं यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं वोल्टेज, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ से आउटपुट में 12 वोल्ट हमारे निकल रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ से आउटपुट में 12 वोल्ट नहीं निकल पा रहे हैं तब हमारा 7812 ख़राब होगा। यहाँ से हमारे 18 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं और यहाँ पहुँचना और 7812 से हमारे वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे हैं तो 7812 ख़राब होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो छोटा वाला ट्रांसफार्मर होता है इससे ही हमारा पूरा सर्किट ऑन होता है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई भी तो चाहिए, पावर सप्लाई जब इसमें नहीं जाएगी तो चार्जिंग कहाँ से आएगी। तो चार्जिंग अगर नहीं आ रही है तो आप ट्रांसफार्मर चेक करें और ये वाला सर्किट टेस्ट करें, ये वाला डायोड चेक, डायोड ख़राब नहीं होते हैं लेकिन आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वोल्टेज टेस्ट करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बाद में 7812 टेस्ट करें, अगर हमारा ख़राब है तो दूसरे डाल दें, आपकी चार्जिंग आ जाएगी, कनेक्शन वहीं रखना है जैसे हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप काम करते हैं तो आपका जो चार्जिंग का फॉल्ट है तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के फॉल्ट को डिस्कस करा, जब चार्जिंग नहीं आ रही तो आपका 909 चेक करना है और 7812 चेक करना है। दोस्तों इंस्टेंटली अरे तुरंत हाई चार्जिंग भाग रही है, जैसे ही हम इन्वर्टर में सप्लाई दे रहे हैं तुरंत इंस्टेंटली सुई बहुत स्पीड के साथ में ऊपर भाग रही है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ चेक करना है, 612 SCR और ऑक्टो कपलर, ठीक है। और दोस्तों धीरे धीरे करके सुई भाग रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो हमें ये आईसी चेक करना है दोनों और ये प्रीसेट, ठीक है। और चार्जिंग अगर गड़बड़ कर रही है दोस्तों, कट कट की आवाज़ कर रही है, तो उस दौरान क्या चेक करना है, कैपेसिटर और हमारा ये कोई ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और चार्जिंग जब नहीं आती है तब तो हमने बता ही दिया आपको 7812 चेक करना है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों गिरफ्टी कट लगा हुआ होता है, उस दौरान भी चार्जिंग नहीं आती, तो एक बार ये देख लें कहीं कट मोड पे तो नहीं है, ये बहुत रेयर केस में होता है। दोस्तों प्री सेट वाली कंडीशन आपको जब देखना है, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज है और आप चार्जिंग चेक कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि चार्जिंग आ ही नहीं रही है, तो उस दौरान हो सकता है ग्रेविटी कट मोड सेट हो। तो इसलिए जब आप चार्जिंग चेक करें तो डाउन बैटरी या मीडियम चार्ज हो उस बैटरी पे आप चार्जिंग टेस्ट करें, तो आपको पता लग जाएगा ग्रेविटी वाला जो फॉल्ट है वो नहीं आएगा। और अगर आपका ये ग्रेविटी कट है तो आप इसको पहले हटा दें, उसके बाद आप टेस्ट करें। तो आई होप आपको इतने सारे फॉल्ट्स में से कोई ना कोई फॉल्ट मिल ही जाएगा जो आपके काम का होगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है प्रैक्टिकली आपको समझा दूँ कोई अगर फॉल्ट क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।